रायगढ़ के रामलीला मैदान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के समापन समारोह में विजेताओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम हमारे दिलों में है, हमारे जीवन में है। राम नाम का रस ही ऐसा है, जितना सुनिएगा, जितना मनन करिएगा, राम रस की प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। हमारे राम कौशल्या के राम, वनवासी राम, शबरी के राम, हमारे भांचा राम और हम सब के राम हैं। 3 दिनों तक चले इस महोत्सव में रायगढ़ राममयगढ़ हो गया। इस महोत्सव में नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सीएम श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया, जो सफल रहा। इस आयोजन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी लोगों को बधाई। अच्छी बात है, समझ जाए तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय राम के नाम का उपयोग करते हैं, और छत्तीसगढ़ में तो भांचा राम, शबरी के राम और कौशल्या के राम के रूप में जन जन के हृदय में, मानस पटल में रचा बसा है। तो हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, और राम राज्य की बात और उस दिशा में हमारी सरकार, जो महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही थी, तो निरंतर हम लोग सुराजी गाँव के रूप में उस दिशा में चल रहे हैं। 3 दिन तक के रायगढ़ में रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ, और अंतिम दिन इंडोनेशिया की टीम ने प्रदर्शन किया। वहीं मैथिली ठाकुर और कुमार विश्वास का अपने अपने राम मंचन हुआ, और देर रात तक के हजारों की भीड़ जटी रही। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लाइव बहुत जगह प्रसारण हुआ और उसका सबने लाभ उठाया है। तो सबको बधाई, शुभकामनाएँ।